नमस्कार, मैं हूं गणेश पासवान और आप देख रहे हैं न्यूज 12 असम नॉर्थ से खास कार्यक्रम किस्सा कुर्सी का। तीन चरण में हो रहे असम विधानसभा के लिए अंतिम चरण का मतदान मंगलवार को होगा। 12 जिलों के 40 विधानसभा सीटों में बीजेपी के चाणक्य नेता हेमंत बिश्व शर्मा समेत कुल 329 उम्मीदवारों का भाग्य का फैसला कल ईवीएम में कैद हो जाएगा। अंतिम चरण में गुवाहाटी मेट्रो के चारों सीटों में महिला मतदाता निभा सकती है निर्णायक भूमिका। हमारी यह रिपोर्ट देखिए। रविवार शाम 6 बजते ही तीसरे चरण के चुनावी प्रचार में विराम लग गया और मंगलवार सुबह 7 बजे से ही राज्य के 12 जिलों के 40 विधानसभा सीटों में मतदान होने हैं। अंतिम चरण में भाजपा के स्टार कैंपेनर तथा असम बीजेपी के चाणक्य नेता हेमंत बिश्व शर्मा सहित कुल 329 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। असम विधानसभा निर्वाचन प्रचार शेष दिन, निर्वाचन प्रचार এই সুদীর্ঘ সময়সুৱা কর্তব্যর তাগিদাত আপোনালোকর মাজত মই উপস্থিত থাকিব পৰা নাছিলো। মনোনয়ন পত্র দিয়ার মুহূর্তত আপোনালোক সকলোৱে আহি এই অভাজনক আশীর্বাদ। তিন চরণ মে আসাম কে কুল 126 বিধানসভা সিটো মে হো রহে চুনাও কে অন্তিম চরণ মে আগর বাত করে গুয়াহাটি মে তিসরে ও অন্তিম চরণ মে 6 অপ্রেল কো হোনে হে মতদান। ऐसे में कामरूप मेट्रो जिले के अंतर्गत 4 विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार अभियान थम चुका है। इन चारों विधानसभा क्षेत्रों में महिला वोटर्सों की संख्या लगभग बराबर है। ऐसे में महिलाएं निर्णायक भूमिका निभा सकती है। आपको बता दें कि गुवाहाटी मेट्रो जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों में पुरुष मतदाताओं की संख्या से महिला वोटरों की संख्या अधिक है। इस बार विधानसभा चुनाव में कामरूप मेट्रो जिले के अंतर्गत पूर्व गुवाहाटी क्षेत्र के कुल वोटरों की संख्या है 236,389, जिसमें से 1,19,075 पुरुष मतदाता है तो 1,17,214 महिला वोटर्स है। अर्थात पुरुष मतदाताओं की संख्या से महिला वोटर्स 1,816 अधिक है। दूसरी ओर जालुकबाड़ी क्षेत्र के कुल वोटरों की संख्या है 2,02,400, जिसमें 99,804 पुरुष वोटर्स है तो 1,02,596 महिला वोटर्स है। इसी तरह दिसपुर क्षेत्र के मतदाताओं की कुल संख्या है 4,06,555, जिसमें 2,03,422 पुरुष वोटर्स हैं तो 2,04,133 महिला वोटर्स हैं। इसी तरह पश्चिम गुवाहाटी विधानसभा क्षेत्र के कुल वोटरों की संख्या 2,92,131, इसमें 1,44,645 पुरुष वोटरों की अपेक्षा 1,47,486 महिला वोटर्स हैं। अतः इस बार महिला वोटरों की इन चारों विधानसभा क्षेत्रों में काफी अहम भूमिका मानी जा रही है। 6 अप्रैल को अंतिम चरण में यहां मतदान होने हैं। सभी दलों ने अंतिम चरण के चुनावी प्रचार के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा चुके हैं। पिछले चुनाव के आंकड़ों और मतदान प्रतिशत यह बताता है कि भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए और कांग्रेस महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला है, मगर कौन जीतेगा और किसे हार नसीब होती है ये तो 2 मई को तय हो ही जाएगा। गुवाहाटी से ब्यूरो इनपुट के सहयोग से न्यूज डेस्क रिपोर्ट, न्यूज 12 असम नॉर्थ ईस्ट। Your child deserves the best education. At Rongkangtir English School, we provide small class sizes with group of well-trained teachers, excellent result in HSLC with 100% track record, well-furnished infrastructure with a spacious and green playground, co-curricular activities like computer, dance, singing and art classes, innovative and playway method of teaching, conducting various competitions to inculcate in children a seeking spirit, diverse and creative pedagogy for students, comprehensive teaching and mentoring for all-round development, special attention to slow learners. Hurry up! Admission going on for session 2021-22. For enrollment,
please visit school office at Rongkangtir English School near Blockfield, Ward No. 1, Bokajan, Karbi Anglong, Assam.